अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद, इसका फार्मेसी पर आप सबका स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्रिया पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ को। पार्ट ए पहले ही बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप देख सकते हैं। आइए पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवेन फॉर गुड बोन हेल्थ। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि बोन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। करेक्ट वन इज विटामिन डी। क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। करेक्ट ऑप्शन डी, पेप्सिन। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ऑप्शन में से डायबिटीज मेलाइटस का टिपिकल साइन कौन सा है। ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉइडिज्म। करेक्ट ऑप्शन ए, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड लीवर फंक्शन टेस्ट। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है एलेलिन अमीनो ट्रांसफरेज, क्रिएटिनिन काइनेज, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कंप्लीट ब्लड काउंट। करेक्ट ऑप्शन ए, एलेलिन अमीनो ट्रांसफरेज। क्वेश्चन फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सुक्रोज। करेक्ट वन इज ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन। ह्यूमन में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेंज नॉर्मल कितना होता है। ऑप्शन है 50 to 70 mg पर डेसीलीटर, 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, 100 to 150 mg पर डेसीलीटर, 150 to 200 mg पर डेसीलीटर। करेक्ट ऑप्शन बी, 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 to 100 mg पर डेसीलीटर होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। प्राइमरी एनर्जी करेंसी कौन सी है सेल के लिए। ऑप्शन है ATP, DNA, RNA, ग्लूकोज। करेक्ट ऑप्शन ए, ATP। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल का नॉर्मल रेंज कितना है ह्यूमन में। ऑप्शन है 150 mg पर डेसीलीटर से कम, 200 mg पर डेसीलीटर से कम, 200 to 240 mg पर डेसीलीटर, 240 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा। करेक्ट वन इज ऑप्शन बी, अंडर 200 mg पर डेसीलीटर। क्वेश्चन नाइन, विटामिन B2 इज द प्रिकर्सर फॉर। विटामिन B2 किसका प्रिकर्सर है। ऑप्शन है कोएंजाइम पेरिडॉक्सल फॉस्फेट, कोएंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम NADP। करेक्ट ऑप्शन सी, कोएंजाइम FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन टेन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर हीमोग्लोबिन लेवल्स इन एडल्ट मेल। एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल कितना होता है, कितनी रेंज होती है उसकी नॉर्मल। ऑप्शन है 8 to 12 g पर डेसीलीटर, 12 to 16 g पर डेसीलीटर, 16 to 20 g पर डेसीलीटर, 20 to 24 g पर डेसीलीटर। करेक्ट ऑप्शन बी, 12 to 16 g पर डेसीलीटर।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजिनस बेस फाउंड इन डीएनए? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस ऑप्शन में से नहीं है? ऑप्शन है एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल। करेक्ट ऑप्शन डी, यूरेसिल। डीएनए में थायमीन होता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ? ईस्ट किसका रिचेस्ट सोर्स है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। करेक्ट ऑप्शन बी, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन एडल्ट्स? सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है एडल्ट्स में? ऑप्शन है 0.1 to 0.5 एम जी पर डेसीलीटर, 0.5 to 1.3 एम जी पर डेसीलीटर, 1 to 1.5 एम जी पर डेसीलीटर, 1.5 to 2 एम जी पर डेसीलीटर। करेक्ट ऑप्शन बी, 0.5 to 1.3 एम जी पर डेसीलीटर या 0.5 to 1 एम जी पर डेसीलीटर, इसी के अप्रॉक्स होता है सीरम क्रिएटिनिन का लेवल एडल्ट्स में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियक बायोमार्कर यूज टू डायग्नोज अ हार्ट अटैक? ऑप्शन में से कौन सा कार्डियक बायोमार्कर है जो कि हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ट्रोपोनिन, हीमोग्लोबिन, एल्बोमिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन ए, ट्रोपोनिन। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम पोटेशियम लेवल इन एडल्ट्स? सीरम पोटेशियम लेवल का नॉर्मल रेंज एडल्ट में क्या होता है? ऑप्शन है 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 2.5 to 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 5 to 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। करेक्ट ऑप्शन सी, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम सोडियम लेवल इन एडल्ट्स? सीरम सोडियम लेवल का नॉर्मल रेंज एडल्ट्स में क्या होता है? ऑप्शन है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 140 to 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 160 to 180 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 180 to 200 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। करेक्ट ऑप्शन ए, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन 17, ल्यूकेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ? ल्यूकेमिया किसका डिसऑर्डर है, किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, क्लॉटिंग। करेक्ट ऑप्शन सी, ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम एल्बुमिन लेवल इन एडल्ट्स? सीरम एल्बुमिन लेवल का नॉर्मल रेंज एडल्ट्स में क्या होता है? 1 to 2 ग्राम पर डेसीलीटर, 2 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, 5 to 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर। करेक्ट ऑप्शन सी, 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन? ऑप्शन में से कौन सा लाइपोप्रोटीन का टाइप नहीं है? HDL, LDL, VLDL, RNA। करेक्ट ऑप्शन डी, RNA। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम बिलिरुबिन लेवल इन एडल्ट्स? सीरम बिलिरुबिन लेवल का नॉर्मल रेंज एडल्ट्स में क्या होता है? ऑप्शन है 0 to 0.2 mg पर डेसीलीटर, 0.2 to 1 mg पर डेसीलीटर, 1 to 2 mg पर डेसीलीटर, 2 to 3.5 mg पर डेसीलीटर। करेक्ट ऑप्शन बी, 0.2 to 1 mg पर डेसीलीटर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसेंशियल अमीनो एसिड? ऑप्शन में से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल है? एलानिन, ग्लूटामिन, फिनाइल एलानिन, प्रोलीन। करेक्ट ऑप्शन सी, फिनाइल एलानिन। क्वेश्चन 22, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इन एडल्ट्स? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल का नॉर्मल रेंज ब्लड में कितना होता है?
ऑप्शन है 5 to 20 mg/dL, 15 to 30 mg/dL, 30 to 45 mg/dL, 45 to 60 mg/dL. करेक्ट ऑप्शन 5 to 20 mg/dL. क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन सा है ऑप्शन में? सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज. करेक्ट ऑप्शन सी, ग्लूकोज. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन. लेसिथिन का रिचेस्ट सोर्स ऑप्शन में से कौन सा है? मीट, फिश, चिक, एग यॉक. करेक्ट ऑप्शन डी, एग यॉक. क्वेश्चन 25, प्रोटीन्स दैट कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज. ऑप्शन में से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करती है? ऑप्शन है एंजाइम, कैटलिस्ट, अमीनो एसिड, नन. तो उस प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं. करेक्ट ऑप्शन ए, एंजाइम. क्वेश्चन 26, यूरोनिक एसिड पाथवे इज कंसर्ड विथ सिंथेसिस ऑफ. यूरोनिक एसिड पाथवे किसकी सिंथेसिस करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, ग्लूकोज. करेक्ट ऑप्शन सी, विटामिन सी की सिंथेसिस करता है. क्वेश्चन 27, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज नोन एज. यूरिन में अगर आरबीसी पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हिमेटूरिया, गैलेक्टोसूरिया. करेक्ट ऑप्शन बी, हिमेटूरिया. क्वेश्चन 28, थियामिन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम. ये कहाँ से डिराइव होता है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, थियामिन, ट्रिप्टोफेन, नियासिन. करेक्ट ऑप्शन बी, थियामीन्स. क्वेश्चन 29, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज इज यूज फॉर डायग्नोस ऑफ. किसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं SGPT को? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, रिकेट्स. करेक्ट ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस. क्वेश्चन 30, ए डिफिशेंसी ऑफ विच आर द फॉलोइंग विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? ऑप्शन है डी, के, ई, ए. करेक्ट ऑप्शन विटामिन ए की कमी की वजह से होता है. क्वेश्चन 31, विच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल. ऑप्शन में से ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही सिंथेसाइज होती है, प्लांट और एनिमल में ये सिंथेसाइज नहीं होती है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन, साइनोकोबालामीन. करेक्ट ऑप्शन डी, साइनोकोबालामीन, या कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन 32, डैश इज आल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड एमाइड और नियासिनामाइड. कौन सा ऐसा है जो कि निकोटिनिक एसिड एमाइड और नियासिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनामाइड, थियामीन. करेक्ट ऑप्शन बी, निकोटिनामाइड. अगला क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड इज. ऑप्शन है 3.4, 9.4, 7.4, 4.7. करेक्ट ऑप्शन बी, 7.4. क्वेश्चन 34, ग्लाइकोजिनोलिसिस रिएक्शन इज रेगुलेट बाय कैटालाइज द इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि ग्लाइकोजिनोलिसिस रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट के तौर पे वर्क करता है? ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज, फास्फोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, फास्फोग्लिसरेट काइनेज. करेक्ट ऑप्शन डी, फास्फोग्लिसरेट काइनेज. क्वेश्चन 35, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेप्ट. ऑप्शन में से सारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रीकर्सर हैं किसी एक को छोड़ के. ऑप्शन है लैक्टेट, पायरुवेट, एसिटाइल कोए, ग्लिसरॉल. करेक्ट ऑप्शन सी, एसिटाइल कोए. क्वेश्चन 36, कैल्सिट्रायल इज. ऑप्शन है 1 to 25 डाई हाइड्रोक्सी
कोल कैल्सीफेरॉल, 1-हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, 25-26 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, 25-हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। करेक्ट ऑप्शन ए 1-25 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन 37, विटामिन B12 कंटेन दैट मेटल। विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? ऑप्शन है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, लेड। करेक्ट ऑप्शन सी कोबाल्ट। क्वेश्चन 38, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज प्लेगरा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग। ऑप्शन है बायोटिन, नियासिन, पैरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन। करेक्ट ऑप्शन बी नियासिन। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। ड्रग मेटाबोलाइज हमारी बॉडी में जनरली होती कहाँ पे है, प्राइमरी साइट कौन सी? ऑप्शन है किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स। करेक्ट ऑप्शन सी लीवर। क्वेश्चन 40, कीटोसिस इज जनरली एसोसिएटेड विद द डिजीज। कीटोसिस को किस डिजीज से एसोसिएट है? ऑप्शन है नेफ्राइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, एडिमा, डायबिटीज मेलाइटस। करेक्ट ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन 41, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी इज। ऑप्शन है टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 42, ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर नॉट एक्सक्रीटेड इन। ड्रग और ड्रग के मेटाबोलाइट्स कहाँ से एक्सक्रीट नहीं होते हैं? ऑप्शन में से यूरिन, फीसेस, मिल्क, इनहेल्ड एयर। करेक्ट ऑप्शन डी इनहेल्ड एयर। क्वेश्चन 43, कन्वर्जन ऑफ HMG CoA टू द मेलोनेट बाय द रिडक्शन इज कैटलाइज बाय। ऑप्शन है HMG CoA रिडक्टेज, HMG CoA सिंथेज, थायोलेज, मेलोनेट काइनेज। करेक्ट ऑप्शन ए HMG CoA रिडक्टेज। क्वेश्चन 44, ज़ेलवेगर सिंड्रोम ऑकर्स ड्यू टू। ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ पिरोक्सिसोम्स, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12, डिफिशेंसी ऑफ एसाइल कोए, डिहाइड्रोजिनेज, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन। करेक्ट ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ पिरोक्सिसोम्स। क्वेश्चन 45, द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज। RNA में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, फ्रक्टोज, पेंटोज। करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइएगा।